सो दोस्तों कैसे हो गए? अच्छे हो गए दोस्तों। आज का वीडियो का टॉपिक मैं यहाँ पे लेके आया आपके लिए कि यहाँ पे एक GTPL का एक रिमोट लेके आया हूँ मैं, सेटअप बॉक्स का रिमोट। इसको रिपेयरिंग के लिए आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। लास्ट तक वीडियो को पास जुड़े रहिए। और यहाँ पे कभी कभी वर्किंग करता है, कभी कभी वर्किंग नहीं कर रहा है, इसके रिलेटेड आज वीडियो में हम देखेंगे इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। तो आप देख रहे हैं, पहले आपको वही पता होना चाहिए कि इसको पहले टेस्ट करने के लिए दूसरा मोबाइल से हम टेस्ट भी कर सकते हैं, वो पहले हम आपको बताएंगे। तो हमारे पास दूसरा एक मोबाइल हुए, इसके हिसाब से हम इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। देख सकते हो हमारे पास दूसरा मोबाइल है, ये हमारे रिमोट में सही से कोई भी स्विच आप प्रेस करोगे कभी तो यहाँ पर इसका इंडिकेट होगा। देख रहे हो यहाँ पर ये वाला भाग देखिए, यहाँ पर इंडिकेट होगा। तो यहाँ से कभी कभी ये देख रहे हो यहाँ पर चैनल की स्विच और यहाँ पे प्रोग्राम की स्विच सही तरह से वर्क नहीं कर, यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ फिर भी यहाँ पे प्रेस नहीं कर रही है, कभी कभी यहाँ पे प्रेस कर रही है, कभी कभी वर्किंग कंडीशन में हो सकती है। आप देख सकते हो यहाँ पे कभी कभी अभी अभी ये स्विच दबाता हो तो यहाँ पे कुछ भी वर्किंग कंडीशन नहीं है, कभी कभी ये पावर हिलाता हो तो सभी यहाँ पे प्रिमर का सभी कनेक्शन सही तरह से वर्किंग कर रहा है। देख सकते हो अभी भी वर्किंग कर रहा है, कभी एक पावर मैंने नया डाला हुआ है फिर भी यहाँ से हिलाता हो तो कभी कभी यहाँ से रिमोट सही तरह से वर्किंग कर रहा है। तो इसमें सही है लेकिन ये पावर हिलाता हो तो पावर मैंने यहाँ पर नया ही डाला हुआ है फिर भी यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। तो पहले यहाँ पे सेल को ये बैटरी को मैं निकाल देता हूँ, निकालने के बाद देखेंगे इसमें क्या उल्टे। दोस्तों हमारे चैनल पे आप नए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसा ही छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट का वीडियो आपको मिलते रहे। ये पावर मैंने निकाल दिया दोस्तों, यहाँ से देखते इसको मैं ओपन कर देता हूँ। जैसे यहाँ से रबर वाली प्रिंट वाली बाग है, यहाँ पर पूरी PCB है, यहाँ पर इंफ्रारेड सेंसर है जिसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे निकाला, आप देख सकते हो इसको, और यहाँ पे इसमें कुछ क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी ड्राई शोल्डर हो सकता है दोस्तों। देख सकते हो यहाँ पे ड्राई शोल्डर है, वही प्रॉब्लम है, आप देख सकते हो अच्छी तरह से। जैसे यहाँ पे बैटरी का, यहाँ पे बैटरी का कनेक्शन लगता है सेल, इसमें से यहाँ पर ये वाला देख सकते हो, जैसे मैं हिलाता हूँ तो यहाँ पूरी तरह यहाँ पर निकल गया है, टूट गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे PCB में से यहाँ से निकल गया। देख सकते हो मैं आपको फोकस करता हूँ, देख सकते हो ध्यान से देखिए दोस्तों। जैसे मैं यहाँ पे हिलाता हूँ स्प्रिंग, यहाँ पे कलेक्टर की जो बैटरी लगती है, बैटरी में लिखा तो यहाँ पूरी यहाँ से ट्रैक यहाँ से पूरी निकल गई है, आप देख सकते हो। फोकस करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखाने के लिए, यहाँ से पूरी ट्रैक भी निकल गई है, आप देख सकते हो यहाँ पर पूरी ट्रैक भी निकल गई। यहाँ पर पहले मैं सोल्डरिंग कर देता हूँ दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे मैं ये शोल्डर की मदद से सभी जगह मैं शोल्डर कर देता हूँ। आपको ड्राई शोल्डर ना रहे वही चीज़ की आपको जानकारी रखनी है दोस्तों। देख सकते हो यहाँ पे अच्छी तरह जो ड्राई शोल्डर था, पहले मैं यहाँ पे हिलाता था, हिलाने से ये ड्राई शोल्डर होने से यहाँ पे हिल गया, लेकिन देख सकते अच्छी तरह मैं इसको इसका जैसा यहाँ पे मैंने शोल्डर कर दिया है। शोल्डर करने के बाद आपको यहाँ से पीछे इसको अच्छी तरह से यहाँ पे ये रिमोट का सॉकेट में फिटिंग कर देता हूँ दोस्तों। इसके बाद हम टेस्ट करेंगे। यही प्रॉब्लम हर जगह आता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से बच्चे जो होते हैं, बच्चे पावर को निकालने से लगाने से यहाँ पे PCB भी इसकी हिल जाती है, इसके हिसाब से ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम इसका आता है। इसको अच्छी तरह से फिटिंग कर देता हूँ, यहाँ पे सेल में डाल देता हूँ इसका। दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे मैं इसको मैं अच्छी तरह से इसका फिटिंग कर दिया, इसको एक बार टेस्ट करेंगे हम। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा मोबाइल से हम टेस्ट करेंगे। देख सकते हो सही तरह से पावरफुल है, सभी चीज़ें अभी वर्क कर रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे छोटा सा ये मैंने रिमोट आपको रिपेयर करके बताया। यहाँ पे जो स्प्रिंग लगता है सर्किट में, से स्प्रिंग का प्रॉब्लम होने से यहाँ पे डिसकनेक्ट हो जाए, कभी कनेक्ट होता था, कभी डिसकनेक्ट होने से ये प्रॉब्लम हो सकता था, इसके यहाँ पे वीडियो में मैंने बता दी ये प्रॉब्लम सही जगह, क्योंकि यहाँ बच्चे जो सेल का यूज़ होता है ऐसे गिर जाने होने से यहाँ पे ड्राई शोल्डर हो जाता है, क्योंकि कंपनी से अच्छा शोल्डर नहीं किया हुआ था, इसलिए यहाँ पे ड्राई शोल्डर होने से ये प्रॉब्लम हो रहा था दोस्तों। उम्मीद रखता हूँ मेरा छोटा वीडियो आपको बहुत यूजफुल हो सके, आप घर पर भी रिपेयर कर सके दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमारा जय हिंद जय भारत।